बेगूसराय में अलग अलग इलाकों में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। डूबने वालों में एक वार्ड सदस्य, एक 9वीं कक्षा का छात्र और एक मजदूर शामिल है। पहली घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के कोरमपुर गंगा घाट की है। यहां नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चंदन कुमार के रूप में की गई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। नहाने गया था, नहाने के क्रम में गहरा पानी में डूब गया था। और हम लोग देखे उसको डूबा तो हम लोग उसको निकाल के देखे तो इसमें थोड़ा बहुत पानी पिया था, निकाले पानी था उसमें, लेकिन तब तक हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में डेट करेंगे। घटना वही 9 बजे के पास पास हुआ है। शादी हो चुका है बाल बच्चा ने। क्या काम करते हैं? वो रिफाइनरी में मजदूरी करता है। कॉन्ट्रेक्टर बेस पे है। वहीं दूसरी घटना तेआई ओपी क्षेत्र के बसई गांव की है। यहां स्नान करने के दौरान 9वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बसई गांव निवासी नीतीश कुमार के रूप में की गई है। वहीं तीसरी घटना शामो थाना क्षेत्र की है। यहां खेत में काम करने गए वार्ड सदस्य का शव बरामद किया गया। था सर दवा छिड़कने के लिए, उधर रात हो गया था, रात में पानी था सर, पानी आ रहा था, गड्ढा था, गड्ढे में लाश मिला। तैरने नहीं आ रहा था। क्या था उधर कि सीमान बोलता है, सलाह पिंटोली से आगे है, दक्षिण साइड में ये है ने सर, इन्हें लमसम सगर बाद में सगर खोज लिए, जहाँ स्प्रिंग कर रहा था तो मकई में सगर खोज लिए नहीं मिला, तब सगर खद्दा में खोजे इन्हें। ये रास्ता से आया होगा तो यही रास्ता में होगा, इन्हें कहूँ अगर रात में आया होगा तो। गए तो क्या देखा? गए तब खोजे, तब वही सब खोज रहा था, तब सब मिला उसमें, डूबा हुआ था। बताया जा रहा है कि छट्टू बिंद खेत देखने गया था लेकिन रात में वापस नहीं लौटा। जब लोगों ने खोजबीन शुरू की तो बाढ़ से बने सोती के पानी में तैरता हुआ शव मिला। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पाकर पहुंचे शामो थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।